this hood off, an architect cooks. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो फ्रेंड्स, लाइक हमारी सारी जो रेसिपीज होती हैं, आज की भी जो मेरी रेसिपी है वो एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है, एंड दैट इज ऑफ एन एक्सेसरी टू फूड. किसी भी तरह का खाना हो, कभी वो जायकेदार उतना नहीं होता या खाने में कुछ कमी रह गई, तो अगर ये हमारे साथ हो तो खाना बिल्कुल मजेदार लगने लगता है. आई विल शो यू हाउ टू मेक द चटपटी हरे धनिये पुदीने की चटनी बट विद अ ट्विस्ट. तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मजेदार झटपट बनने वाली चटनी के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. सो हरे धनिया पुदीने की चटनी के लिए हमारे पास यहाँ पे है रफली चॉप्ड धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश है ये है करीब एक कप. इसमें डालने के लिए ये पुदीने के पत्ते हैं जो है कभी करीब 1/4 कप के करीब पत्ते, 1 मीडियम साइज अनियंस जिसको मैंने इस तरह से क्वार्टर्स में काट के रख लिया है, वी हैव 3 to 4 green chilies रफली चॉप्ड, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें हम लोग स्पाइस के लिए खाली ग्रीन चटनी यूज कर रहे हैं, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. आई हैव अबाउट 1/2 inch ऑफ जिंजर क्यूब कट इन टू स्मॉल पीसेज, About 7-8 cloves of garlic, 1 tablespoonful of lemon juice, and the twist comes with this. This is the Haldiram aloo ki bhujia. Aap isme bhujia dal lein, aap isme gathiya dal lein, anything which is fried and with besan, wo aap dal lein, usse ek bahut acha twist aa jata hai to the chutney ka flavor, as well as ek bahut acha binding factor ho jata hai, so that jo chutney hai na, wo pani and chutney hamari alag kabhi nahi hoti. To bas ye karne ke liye, ab hum sabse pehle ye sare ingredients ko एक साथ हम लोग डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में. सॉल्ट मैं अभी नहीं डाल रही हूं क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम इस स्टेज पे सॉल्ट डालें तो हमें ऐसा लगता है कि क्वांटिटी चटनी की तो बहुत ज्यादा है. सॉल्ट हमारा नॉर्मली चटनी में देखिए सॉल्ट हमें ज्यादा डालना ही होता है, लेकिन अभी इस स्टेज पे हमें अंदाज नहीं होता बिकॉज वंस वी ग्राइंड दिस चटनी इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, तो उस स्टेज पे हम सॉल्ट डालेंगे. आई हैव पुट दिस इन द ब्लेंडर आउट नाउ क्विकली, लेट मी जस्ट ग्राइंड इट टू अ स्मूथ पेस्ट एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. सो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लिया अच्छे से इनटू अ स्मूथ पेस्ट. इफ रिक्वायर्ड आप बीच में अकॉर्डिंग टू नीड, शुरू में तो आप बिना पानी के करें क्योंकि हमने नींबू भी डाला था, और उसके बाद इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नीड आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लें इनटू अ स्मूथ पेस्ट. और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी हरी चटनी बन के तैयार है. अब देखिए कितनी जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा सॉल्ट. And now this is ready to be served. जितनी आपको serve करनी है आप इसमें serve करें, and then you can put it in an airtight jar and store it in the fridge. इस तरह का कोई जार ले लें, store it in the fridge, and this remains fresh for 10 to 12 days तो आराम से. So friends, wasn't that an easy मजेदार चटपटी recipe? So with that, we come to the end of today's recipe, and now it's time for the tip of the day. तो आज का जो हमारा टिप है ना वो आर्किटेक्चर या इंटीरियर से नहीं, किचन से रिलेटेड है. आज आई टेल यू हाउ टू स्टोर धनिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्रिज. तो जब धनिया मार्केट से हम लाते हैं उसके बीच में देखिए हमारे इस तरह से जो रूट्स होते हैं ना, उन रूट्स को पहले आप अच्छे से वॉश कर लें, बट रूट्स को कट ना करें. और ये रूट्स के समेत एक किसी छोटे से टम्बलर में पानी लेके उसमें सो दैट रूट्स डिप हो जाएं, इसको आप इस तरह से करके एंड फ्रिज में रख दो. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, फॉर अ वीक टू 10 days इस धनिये को कुछ नहीं होता. बस आपको खाली एक चीज करनी है कि एवरी डे और एवरी सेकेंड डे आप इसका पानी चेंज कर दें, दैट्स ऑल. सो वाजंट दैट एन इजी टिप टू कीप द धनिया फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो फ्रेंड्स, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज रेसिपी. इट वॉज एन एक्सेसरी, और ये बना के आप रखिए फ्रिज में, जो भी खाने में बना हो उसके साथ सर्व करिए, खाने का मजा दोगुना नहीं 4 गुना हो जाएगा. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड. आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे अगेन विद अ सिंपल झटपट इंस्टेंट रेसिपी. टिल देन,